मेरे कुछ यूज़र्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एनिमेशन के ट्यूटोरियल बनाऊं, तो बेसिक एनिमेशन का ट्यूटोरियल पहले बनाता हूं, बाल एनिमेशन का, बहुत ही बेसिक एनिमेशन का है। इसमें ग्राफ एडिटर का पता लग जाएगा, ग्राफ एडिटर जो एनिमेशन का है वो कैसे वर्क करता है। टाइमलाइन सेटिंग जो है वो आप देख लें, प्ले एवरी फ्रेम को अनचेक करना है, इसको नहीं सिलेक्ट करना। नीचे जो भी है 24 मैंने सेलेक्ट किया, आप 25 कर लें, अदर में जाके 30 FPS बना लें, जितना FPS ज़्यादा होगा उतना स्मूथ हो जाएगा। लेकिन फिर अगर रेंडर करने बैठें तो ज़्यादा FPS ज़्यादा फ्रेम्स रेंडर करते करते बंदा थक जाता है, रेंडरिंग बहुत टाइम टेकिंग काम है। रेंडरिंग के हवाले से, बैच रेंडरिंग के हवाले से और उनके भी मैंने ट्यूटोरियल बनाने हैं बैक बर्नर के, मल्टीपल मशीन्स के साथ आप रेंडर कैसे कर सकते हो। खैर, मैंने एक स्फीयर बनाया, एक मैंने प्लेनर ले लिया ग्राउंड के लिए। स्फीयर पे मैं फ्रेम वन पे मैंने 50 फ्रेम लास्ट फ्रेम रखा है। टाइम स्लाइडर पे इधर से क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं हम, लास्ट फ्रेम मेरा 50 होगा, फर्स्ट फ्रेम मेरा फर्स्ट होगा, और क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा तो इस तरह टाइम स्लाइडर चला सकता हूँ। अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इधर आपने देखना है ये सब, इसको मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ 0, ठीक है, और इसका पिवट पॉइंट भी स्विच कर लेता हूँ, नीचे डीप्रेस करता हूँ वी और वर्टेक्स के साथ स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एस प्रेस करता हूँ तो की लग जाती है, ये रेड हो जाएगा। अगले फ्रेम पे आऊँगा तो ये रेड नहीं रहेगा क्योंकि की फर्स्ट फ्रेम पर लगी हुई है। अच्छा, फर्स्ट फ्रेम पे की लगाता हूँ और एस प्रेस करता हूँ, सेम की मेरी 50 फ्रेम पे लग गई है। अब मैं 25 फ्रेम पे आके इसको ज़मीन पे ले आता हूँ, जिधर तक मैं इसे रखना चाहता हूँ इधर तक, ठीक है। इसको मैं एस प्रेस करता हूँ, अब मेरी ये वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। आल्ट वी प्रेस करूँगा तो टाइमलाइन चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये उल्टी बन गई है, वेरी नाइस, बिस्तर लग रहा है जैसे नीचे की जाने जा रही है। खैर, ये ग्राफ एडिटर से हम सेटिंग करेंगे, सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब एनिमेशन मोड में आ जाता हूँ, विंडोज़ एनिमेशन ग्राफ एडिटर, एनिमेशन का ग्राफ एडिटर कुछ इस तरह शो हो रहा है। हमने ट्रांसलेट की जो वैल्यू है वाई उसको सेलेक्ट किया है। अच्छा, मैं सेलेक्ट करता हूँ, ए प्रेस करता हूँ तो ये सेट टू स्क्रीन कर देती है। ये ग्राफ जो है ना, इसको सेट करना है, इनको तीनों को सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ ब्रेक टेंजेंट्स, ठीक है। पहले आपको बताता हूँ ब्रेक टेंजेंट्स का क्या फ़ायदा है। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हैंडल पकड़ के आप नीचे कर रहा हूँ तो ये साथ साथ ये भी ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला पकड़ता हूँ तो साथ वाली जो लाइन है ये वाली, ये भी ऊपर नीचे हो रही है। तो इनके सबसे पहले मैं ब्रेक टेंजेंट्स कर लूँगा, ठीक है, ताकि मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ यही होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अप ले जाता हूँ ऐसे और ऐसे। अभी ऊपर से नीचे आएगी टक और तेज़ी से उठेगी ऐसे और फिर स्लो होगी, स्लोली नीचे आएगी टक और तेज़ी से ऊपर जाएगी। अब हम देखना ऐसे, बहुत इजी है। अच्छा, इसमें और डिटेल डालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी जो स्केल की वैल्यू है उसको भी थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, 0.9